लाइसेंस एमपी तेरा जी सर, क्या चीज? स्टोन लग गया आगे वाली टायर को। अच्छा, और उसकी हवा निकल गया टायर। ये देखो यहाँ से पड़ गया ना ये कहाँ पर हुआ? ये कितने सारे पत्थर गिरे हुए देखो रास्ते भर भाई, कुछ ना कुछ पत्थर तो ऊपर से देखो। ऐसा लैंडस्लाइड हो जाता है बीच रास्ते पे, तो बारिश में मत आओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सो इस वक्त मैं हूँ कल्पा में, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और रील्स वगैरह स्टोरी वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, काफी खूबसूरत है भाई, वर्ड नहीं है इस विलेज को देख के बोलने के लिए, बहुत खूबसूरत है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले दिखाता हूँ अपना रूम, क्योंकि अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये रूम मिला मुझे, अभी होटल भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे भाई अपना गोप्रो चार्ज हो रहा है और काफ़ी सुंदर व्यू है इस रूम से। अभी पैकिंग वगैरह मैंने सारी कर ली है यहाँ पर, अभी बस बाइक पर लगेज करना है, उसके बाद निकलना है। ये देखो भाई इतना खूबसूरत है ये। हाँ भाई, सुबह सुबह धूप लेने के लिए गौ माता चिल्ला रही है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, मुझे पहले भूख लगी है, तो पहले ऑर्डर देते हैं, तब तक अपन फिर बाद में गाड़ी पे सामान लोड करेंगे। इधर देखो ये मिलेंगे आपको अगर यहाँ पे आओगे। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या है? नमस्कार, वरुण कुमार साहा। वरुण साहा। अपने होटल का नाम? शिवालिक, होटल शिवालिक। तो आप अगर आओगे तो यहाँ इनसे एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपके नंबर आप बोल सकते हो। 7876 1470 7063। तो आप लोग कभी भी कल्पा आने का प्लान कर रहे हो, सबसे पहले एक बार कॉल कर लेना। सबसे बेस्ट व्यू लगा मुझे यहाँ पे भाई, बाइक पार्किंग वगैरह के लिए यहाँ पे काफ़ी स्पेस भी है। देखो यहाँ खड़ी अपनी पैंथर भाई, पूरी सेफ है प्रॉपर। लो जी, तो आ चुका है अपना पराठा, और आलू का पराठा भाई काफ़ी टेस्टी पराठा है, क्योंकि कल नाइट में मैंने भाई दो पराठे खाए, एक आलू का और एक गोभी का। भाई क्या टेस्ट दे रहे ये लोग भाई, बहुत सही। जी ऑल सेट, निकलने के लिए रेडी। और यहाँ थोड़ा पेमेंट कर देते खाने का। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा रुक के। और आप लोग भी अगर आते हो तो मैंने कॉन्टेक्ट वगैरह दे दिया है आपका, ठीक है? आपका शुभ नाम? सुदीप दास। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी यहाँ की, ठीक है? मिलते हैं बहुत जल्द। चलो भाई पैंथर को पीछे लेते हैं। ये है आज का सफ़र, कल्पा टू काजा। 5 घंटे 50 मिनट लगने वाले हैं, 6 hours 6 घंटे, ठीक है? अब तो ज़्यादा 6-7-8 घंटे लगेंगे। और अभी टाइम हो रहा 10:30, किलोमीटर है 217 किलोमीटर। तो ये था भाई बहुत ही प्यारा शिवालिक होटल, और ये व्यू को बाय बाय बोलते हैं और निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये पूरे एप्पल ट्रीज है। देखो भाई इतने प्यारे प्यारे फूल है, मैं कब से समझ रहा था कि भाई ये फूलों का झाड़ है। मैं यही सोच रहा था कि भाई ये फूलों के साथ करते क्या होंगे, क्योंकि भाई इतने सारे वो भी पेड़। लेकिन भैया ने बताया जो होटल में रुका था हमें, कि भाई ये है एप्पल ट्री, सीजन नहीं है अभी एप्पल का। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और काफ़ी सारे होटल्स होम स्टे मिल जाएंगे। और हाँ भाई, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई होटल कितने का था, तो मुझे मिला 1000 में अगर सिंगल पर्सन था, और भाई बातचीत भी करना होती है तो मिल गया 1000 में। और खाना वाना भी बहुत अच्छा था। और सुबह सुबह मैंने बाइक में चेन स्प्रे भी कर लिया, कल भी करा था मैंने, पर कल हो नहीं पाया था। तो आज एक भैया को बोला, उन्होंने बाइक थोड़ी सी पकड़ी और चेन स्प्रे करा। और अभी सोच रहा हूँ भाई कि कल पेट्रोल भी फुल करवा लिया था, आज
एटीएम से पेमेंट भी निकालना, क्योंकि आगे का मुझे कोई आइडिया है नहीं कि पेट्रोल पंप वगैरह मिलेगा या नहीं। भाई देखो ये अल्टो अल्टो, ये अल्टो, और इसको देखो भाई क्या बना रखा है बोलेरो को। तो भाई ये बड़े बड़े देवदार के पेड़ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत और खूबसूरत। तो कल क्या हुआ पता है, कल मैं व्लॉग एडिट करा, मैंने सांगला से डालने के लिए ट्राई किया था लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ भाई रात भर लग गई, रात भर में भी नहीं हुआ क्योंकि नेटवर्क इतना सही मिल नहीं रहा था और व्लॉग थोड़ा क्वालिटी हाई है ना, तो फ़ोन से इतनी जल्दी हो भी नहीं रहा है भाई, तो थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा आपको। मैं ट्राई कर रहा हूँ, वैसे अभी भी अपलोडिंग पे है व्लॉग, आपको मिल जाएगा। बस ऐसे ही प्यार दो, बहुत अच्छा लग रहा है भाई मुझे, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और आगे राइड के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो भाई कमेंट कर दिया करो, कुछ भी कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगे बुरा लगे, बुरा भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो वो बता सकते हो, उस पर मैं फिर रिसर्च करूँगा और वो चीज़ में अच्छी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और लाइक भी कर दिया करो, फ्री है भाई यार, क्योंकि चैनल पे आए तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और भाई नहीं करा तो कर दो। और कमेंट देखो, लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा भाई, फ्री है ये, फ्री, मैंने आपके लिए सारा कुछ फ्री रखा हुआ है, लाइक कमेंट शेयर सारा फ्री है, सब्सक्राइब भी फ्री है, ठीक है, तो करके जाओ भाई। चलो अभी पहुँचेंगे रिकोंगपियो, रिकोंगपियो से हम लोग लग जाएंगे, मतलब रिकोंगपियो थोड़ा सा नीचे जाके फिर हम लोग लग जाएंगे हाईवे पे। जब हाईवे से आप कल्पा के लिए लेफ्ट लोगे ना, उसके बाद ये भाई ये जो इतना प्यारा रूट है, बहुत सही रूट है ये और बहुत ही खूबसूरत भी। अभी रिकोंगपियो क्रॉस कर रहा हूँ मैं, और कल्पा, और ये कल्पा के पास कोई बड़ी सिटी है तो भाई रिकोंगपियो है। ये शायद पूरे किन्नौर की सबसे बड़ी सिटी है, काफ़ी कुछ है भाई, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको सारी। और जो मैंने कल फ़ोटो ली थी, आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो कल मैं जहाँ से बता रहा था कि भाई बहुत खूबसूरत है, वो रिकोंगपियो था। रिकोंगपियो के 6 किलोमीटर ऊपर है कल्पा, तो यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। आप अगर स्पीति जा रहे हो तो रिकोंगपियो में सारी चीज़ें ले सकते हो, जहाँ जाना है, जो करना है सब कर सकते हो। रुक जाओ ड्राइवर साहब, तो अभी हवा डलवा लेता हूँ एक बार, हवा तो वैसे कम्प्लीट ही है बट चेक करवाना एक बार। और देखो अभी 4:30 बता रहा था, अभी 4 बता रहा, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एटीएम, हाँ अपने को तो एटीएम चाहिए किसी का भी हो। कितनी करी? 35 कर रहे हो ना, ठीक है। तो ये आ चुके हम लोग वापिस से नीचे, और यहाँ से हम लोग गए थे ऊपर साइड। अब मुझे ढूंढना है एटीएम, क्योंकि नीचे भी है कहीं पे, एक बार लोकेशन डाल के फिर देखता हूँ। बता जी ऊपर एसबीआई एटीएम, तो यहाँ बाइक खड़ी करते हैं, एटीएम से जरा पैसा निकाल के आते हैं। कैश अनअवेलेबल ब्रो, सॉरी। एटीएम में तो पैसे नहीं थे, वैसे रास्ते में भी काफ़ी सारे एटीएम अब तो खुल गए हैं, और जहाँ जा रहा हूँ काजा में भी है ये, और ये आर्मी का कैंप साइट, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं, हर हर महादेव। ये रूट देखो यहाँ से जा रहा है और ये पूरे पहाड़ के साइड से जा रहा है, वो देखो वहाँ तक क्या भाई, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक ऐसे ही रूट है अब। लेकिन यहाँ तक भी इतना प्यारा रूट बना हुआ भाई, बीआरओ को सैल्यूट है। अभी चितकुल वाला जो रूट था, तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात की तो वो भी बता रहे थे कि चितकुल वाला जो रूट है वो भी बीआरओ के अंडर में जा चुका है, तो भाई अब वो भी बहुत प्यारा बनने वाला है, क्योंकि वो तो भाई बहुत ही, कल भाई 50 किलोमीटर मेरी हालत ख़राब हो गई, 50 किलोमीटर के आसपास नहीं, 20 वापिस आया, 40, हाँ मतलब 70-80 किलोमीटर था, हालत ही ख़राब हो गई थी भाई कल, तो फिर बॉडी पेन हो रही थी, रात को कहीं घूमने जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये भाई देखो ऐसा लैंडस्लाइड हो जाता है बीच रास्ते पे, तो बारिश में मत आओ, ठीक है।
कितने सारे पत्थर गिरे हुए देखो रास्ते भर भाई, कुछ ना कुछ पत्थर तो ऊपर से देखो, ऊपर तो देखो कितना बड़ा पहाड़ है भाई, सारे ऐसे ही पहाड़, और ये पत्थर सब लैंडस्लाइड से आते रहते हैं भाई, इनका जब मूड हो जाए तब आ जाए। तो भाई बहुत ध्यान से और संभल के ऊपर देख के भाई गाड़ी चलाना चाहिए इधर साइड। ओ हो 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 हो, क्या बात है, क्या बात है। नदी की जो प्योर आवाज है इतनी सही आ रही है, एकदम शांत से बहती हुई। वो सामने छोटा सा गांव है और पीछे जो अभी मैं क्रॉस करके आया वो काफी खूबसूरत जगह थी भाई, और डेंजर भी बहुत, और बहुत सारे राइडर्स लोग। क्या बात, बहुत सारे राइडर थे भाई। जय हो माता दी, श्री श्री माती धंग माता मंदिर, माती धंग। ब्रो गाने चल रहे भाई, जय भोलेनाथ। दूर छोड़ना पड़ेगा ना, वरना क्या ही मजा आएगा भैया। तो जी काफ़ी देर से चल रहा हूँ और इतना प्यारा रूट है, अभी तक का सबसे बेस्ट रूट आया ये, जो कि कल्पा से लेके जब हाईवे से लगा, हाईवे के बाद भाई अभी तक तो बहुत प्यारा रूट आया हुआ है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है भाई बाइक चलाने में। और पैंथर भी खुश है भाई, क्योंकि अभी ऑफ रोडिंग नहीं चालू हुई है। मैंने लास्ट टाइम जब नदी दिखाई थी उसकी आवाज़ सुनाई थी, तो भाई मैंने माइक का जो पिन है वो मैंने निकाल लिया था, रिमूव कर दिया था, तो भाई तब से मैं लगाना ही भूल गया, तो अब जाके लगाया वापस। तो रास्ते की जो भी फुटेज है भाई सारी ख़राब हो गई होगी, वैसे मैं फुटेजेस अपलोड करूँगा, बस आवाज़ आ रही होगी हवा की। ये एक और आया आर्मी कैंप, ठहरिए। तो जी हम पू पहुंच चुके हैं और ये है पू गांव। और यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी, पेट्रोल पंप तो नहीं मिलेगा, रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी, होमस्टे वगैरह है यहाँ पर। लाइसेंस ओके। एमपी 13 आपका कहाँ लगा? ठीक है, चलिए ठीक। तो यहाँ पर अभी हमारा लाइसेंस चेक हुआ
और भाई ऐसा नहीं कि भाई देख के छोड़ दिया, काफ़ी देर रिसर्च करी उसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू सर। तो यहाँ पे हुआ लाइसेंस चेक और ये पू गांव है। तो भाई ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग बोलते भाई कोई रोकता ही नहीं है राइडरों को, मतलब मैं खुद बोलता हूँ कि रोकते नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पर तो रोकेंगे। यहाँ से ना चाइना बॉर्डर ज़्यादा पास है, जो चितकुल विलेज है उससे भी ज़्यादा पास है। एक शायद ये गांव या कोई सा है, ये पहाड़ के पीछे ही भाई चाइना है। चाइना बोले तो तिब्बत बॉर्डर, अभी वो चाइना के अंडर में तो भाई चाइना ही आएगा। जी सर, ओके, आगे लगा दो क्या? नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर होगी हमारी एंट्री, एंट्री करके आते फिर मिलते हैं। चलो हो चुकी है एंट्री, और भाई एंट्री में वही पूछा कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, बाइक नंबर, और भाई बाइक नंबर वहाँ देखने नहीं देते पीछे मुड़ के। अपन बाइक मतलब अपने बाइक का तो पता रहेगा ना, और कहाँ आ रहे हो, कहाँ से जा। थैंक यू सर। क्या चीज? स्टोन लग गया आगे वाली टायर को। अच्छा, और उसकी हवा निकल गई है। अरे यार, टायर चेंज करना है? हाँ ठीक है, करवा देते ना। पीछे आप कहाँ पर जाओगे, कितना हो बताओ, बताना हुआ क्या है? अच्छा हवा निकल रही है ना। हाँ। नहीं ये निकलेगा और इसको वापिस से मार के सही करा जाएगा, बटिया भी निकालना पड़ेगा ना। नहीं वैसे तो चल जाएगी, पर टायर फूट देगा ये। कुछ है नहीं अपने पास मारने के लिए इसको मार के वो करना है। हाँ, क्योंकि यही से हवा लीक हो रही है या फिर ऊपर से हो रही है। नहीं नहीं पंचर हो गया ये। हाँ पंचर हो गया है ये, देखो यहाँ से पड़ गया ना ये कहाँ पर हुआ ये? ये देखो ना, ये पत्थर नाला को नाला। अच्छा ये? हाँ, दिखा नहीं है। ओके, तो वो पंचर हो गया है, टायर है तो पंचर बनेगा, ट्यूबलेस है क्या? है ना। हाँ फिर तो पंचर बन जाएगा। नहीं लेकिन ये अभी के लिए निकालना था ना। अभी निकालोगे फिर एक और है स्टेप नहीं है ना। हाँ फिर तो निकालो ना, फिर क्या दिक्कत है। अंकल एक और है नीचे। एक और है? हाँ वो वाला लगा देंगे। ठीक है, आप अकेले हो ग्रुप में? नहीं नहीं सोलो। हाँ इंदौर। अच्छा आप कहाँ से? एमएच कहाँ पे? पुणे से। अच्छा पास पास ही है। अच्छा स्लीपिंग वगैरह भी बढ़िया, कैंपिंग कार में ही कर रहे हो? कैंपिंग नहीं, कार में नहीं, बट ये अच्छा रेस्ट के लिए, ये बच्चों के लिए ना। अच्छा छोटे बच्चे तो गर्मी हो गई भाई। टायर आगे आप आपको टंगो में मिलेगा। स्टेपनी नहीं अपने पास है ना? देखो टायर, टायर है ना, इसके नीचे रहता है। कहां पर? हां तो वो वापस लेके आओ ना, वो जो मैंने खोला ना उधर से नट बोल्ट, हां वापस लेके आना भाई। भयंकर काम हो गया, टायर कब चेंज नहीं करा, यहाँ कर रहा हूँ, ये पता नहीं कैसे निकलेगा, ये शायद अंदर से निकलेगा। वो चाली का जो सेट है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ गीला करो थोड़ा सा, हाथ निकलेगा। हाँ हाँ, ये नई गाड़ी में नया सिस्टम है ना, अपने आगे बस जेक अंदर रहता है, स्टेपनी अंदर रहती है, उठाया निकाला हो गया काम। हां तुरंत है ना, चाबी अंदर घुमाना है बस, हो जाएगा निकल जाता है। रुकना आप नीचे में, नीचे आओ नीचे, ये नीचे नीचे करना। ठीक है, ये ढीला हो जाएगा। ठीक है, मैं या तो देता हूं। इसको तो तो अंदर अभी नहीं करो, नीचे नीचे रहो, उधर 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 रहे, माइनस में जा रहा है। चलो पंद्रह बीस ही जगह होगी प्लेन में ना, प्लेन में वरना दिक्कत हो जाती। लो ये रख देता हूँ, इसको अंदर रख लो, आपको फिर खोलना पड़ेगा वो हल्का। अच्छा हाँ, वो भी करोगे तो ढीला हो जाएगा।
देखो जगह नहीं तो फिर नीचे रख देंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है ना भैया? ओके चलो। लो जी नाको पहुंच चुके हैं और नज़ारे देखो भाई, क्या सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। कोश ढाबा, खोश ढाबा भाई। तो यहाँ पर अब कुछ खाते हैं फिर निकलेंगे। क्यों शेरू शेरू? ये अपने पेंथर। और व्यू देखो भाई, चारों तरफ से पूरा घिरा हुआ है इस स्नो से। और ये अपना शेरू बैठा हुआ। शेरू काटेगा नहीं ना बेटा? काटना नहीं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे खाना वाना कुछ खाता हूँ, फ्राइड राइस ऑर्डर करे, उसके बाद आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। मिलते हैं अब न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।